हाय एवरीवन, मैं विकास। मैं खास, तुम कैसे हैं बताइएगा। मेरी खास आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस अकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हाँ जी, और हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बड़ी क्लियर करी थी, जो शायद आप लोगों को पता नहीं थी या होगी भी। मैं नहीं कह रहा नहीं थी, होगी भी, पर डेफिनेट कुछ यूनिक जरूर पता चला था। चलिए उसी को आगे चलते हैं। ट्रैकियोस्टोमी में लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ चुके थे, उसके बाद में इंडिकेशन पढ़े थे, पर्पस हमने पढ़ लिए थे, नॉर्मल साइट कहां पे इंसिजन लगाते हैं वो हमने पढ़ लिया था। क्लियर थी यहां तक बात? फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए थे, जिससे आप लोग में भी सेटिस्फाइड होंगे। और भी क्वेश्चन है जो आगे हम सॉल्व करेंगे, पर अभी हम उस थ्योरी को क्लियर करते हैं जिस थ्योरी की हमें क्या है डियर जरूरत है। तो ट्रैकियोस्टोमी, और ट्रैकियोस्टोमी का हम आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या करने वाले हैं डियर? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मानी जो ट्रैकियोस्टोमी है वो कितने तरीके की है, कितने प्रकार की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं ट्रैकियोस्टोमी की बात करूं तो ट्रैकियोस्टोमी बेस्ड पे होती है। सबसे पहले हम बोलकर चल सकते हैं, क्या बोलकर चल सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। किसके आधार पर क्लासिफाई की गई है? पहली प्लेसमेंट के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखें तो बोलते हैं कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। किसके आधार पर बोल रहा हूं डियर? ड्यूरेशन, समय के आधार पर। और तीसरा अगर हम बोलकर चलें तो हम बोलते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिचुएशन। अब देखो तीन नाम बोले हैं मैंने, और इन तीनों ही तरीके की क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता होना ही चाहिए। दिया अगर आप लोगों को पता नहीं होता तो बड़े क्वेश्चंस हैं जो यहां से पूछे जाते हैं, तो देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम कहते चले आगे की तरफ लेकर, तो हम कहेंगे कि ऑन द बेस ऑन प्लेसमेंट। किसके आधार पर बोला मैंने? प्लेसमेंट के आधार पर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, तो देखिए भाई प्लेसमेंट के आधार पर हम क्लासिफिकेशन जब देखें तो प्लेसमेंट मानी प्लेस करना। अरे भैया कहीं ना कहीं किसी ने किसी का प्लेसमेंट हुआ होगा ना आसपास में, कि उसका तो प्लेसमेंट हो गया, उसकी तो वहां नौकरी लग गई, उसकी तो वहां जॉब लग गई। क्लियर हुआ है ना? ऐसा बिल्कुल हुआ है। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि यहां पर हम ये जो ट्रैकिया था, ये जो सी सेफ की रिंग थी हमारी, हम इंसिजन लगाने वाले थे। हम क्या करने वाले हैं? इंसिजन क्यों लगाने वाले हैं? आर्टिफिशियल एयरवे को मेंटेन करने के। क्लियर बात है? बिल्कुल। तो ये जो प्लेसमेंट है वो नॉर्मली हम कहते हैं कि सेकेंड और थर्ड सी सेफ की ये जो कार्टिलेज रिंग होती है इनके बीच में लगाया जाता है एंटीरियरली इंसिजन। पर अब कहना चाहता है प्लेसमेंट कहां पर करोगे? मैंने कहा था कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ट्रैकियोस्टोमी कौन से कार्टिलेज रिंग पर करी जाती है, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में करी जाती है। तो प्लेसमेंट की बात करें हम, प्लेसमेंट जब हम देखते हैं बेटा तो दो तरीके का होता है। सबसे पहला ट्रैकियोस्टोमी जो नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर करी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? हाई ट्रैकियोस्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? हाई ट्रैकियोस्टोमी। और नॉर्मल से अगर ट्रैकियोस्टोमी नीचे की तरफ करी जाए तो उसे कहा जाता है लो ट्रैकियोस्टोमी। क्या कहा जाता है? लो ट्रैकियोस्टोमी। अब हाई और लो का मीनिंग क्या है? ये देखो, ये ट्रैकिया था, नॉर्मली जो इंसिजन लगाया जाता है वो कहां लगा रहे हैं? सेकंड और थर्ड के बीच में। अरे क्लियर बात है या नहीं है? सेकंड और थर्ड के बीच में नॉर्मली इंसिजन लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगा दूं और मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में लगा दूं, क्लियर बात है क्या? थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो ट्रैकियोस्टोमी है डियर वो तो कौन सी हो गई? हाई ट्रैकियोस्टोमी हो गई। और जो थर्ड और फोर्थ के बीच में है वो कौन से ट्रैकियोस्टोमी हो गई? लो ट्रैकियोस्टोमी। बहुत क्लियर शब्दों में बात है भाई। नॉर्मल इंसिजन साइड क्या है?
सेकंड और थर्ड रही है, और इस सेकंड और थर्ड पे ना लगाकर उस ट्रैकियोस्टोमी को ऊपर लगा दिया, इन दोनों के बीच में लगा दिया है, तो हाई ट्रैकियोस्टोमी बन गई है, और थर्ड और इस फोर्थ के बीच में लगा दिया है तो कौन सी बन गई है, लो ट्रैकियोस्टोमी बन गई। क्लियर बात, कंफर्म? हाँ जी, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आपको छोटी सी बात है पर ध्यान आप लोगों को रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समयावधि है, समय के आधार पर क्लासिफिकेशन करा गया, किसका किया गया, ट्रैकियोस्टोमी का किया गया। क्लियर बात है। चलिए अब समय तो इंसान की जिंदगी में दो ही होते हैं, पहला तो क्या होता है डियर, एक तो समय होता है इमरजेंसी, अरे भाई जिस समय आपत्ति और विपदा आपकी जीवन में आ गई है, भयंकर वाली सिचुएशन है, क्रिटिकल कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोल सकते हैं, फैटल कंडीशन बोल सकते हैं, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है प्रोफाइलेटिक, प्रोफाइलेटिक ट्रैकियोस्टोमी। अब भैया इमरजेंसी और प्रोफाइलेटिक, ये ट्रैकियोस्टोमी जब पूछी जाती है तो इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन की ट्रैकियोस्टोमी की बात करें तो कहां पर कंडक्ट करी जाती है। एग्जांपल आप देकर चल सकते हैं कि किसी पर्सन को क्या हो गया है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हुई है तो आप ट्रैकियोस्टोमी कर रहे हैं, है भाई कोई भी एक्सीडेंट ही नहीं, कोई भी ऐसी कंडीशन जो फेटल कंडीशन है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर आपने एट द सेम टाइम ठीक नहीं किया उस सिचुएशन को तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्लियर बात है क्या? अरे बोले हाँ और नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल बात है डियर। चले और आगे की तरफ चलूं, अब यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और वो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एग्जामिनर कहता है कि इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी में लगाया जाने वाला इंसीजन कैसा होता है, वर्टिकल इंसीजन होता है, हॉरिजॉन्टल इंसीजन होता है, ऑब्लिक इंसीजन होता है कि नन ऑफ दीज होता है, है? पूछा गया, वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन सुन ले ध्यान से, ये इमरजेंसी कंडीशन में लगाया गया इंसिजन वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, बोथ होता है कि नन ऑफ दीज होता है। तो डियर इमरजेंसी कंडीशन में लगाया गया इंसिजन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब ऐसा इंसिजन लगाया जाता है, कैसा इंसिजन, ऐसा इंसिजन लगाया जाता है, अरे बोलू तो आड़ा, आड़ा जानते हो ना, आड़ा ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे नहीं काटा जाता। क्लियर बातें, वेरी गुड। अब यहां तक की बात आप लोग ध्यान देकर चले भैया, नेक्स्ट पर आते हैं हम, और नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रोफाइलेटी। एग्जामिनर ने कहा इसका दूसरा नाम क्या है, तो एग्जाम आप तुरंत आंख बंद करके हाथ स्वर देंगे, ऑल्सो नॉन एज प्री प्लांड ट्रैकियोस्टोमी। क्या बोला डियर मैंने, प्री प्लांड ट्रैकियोस्टोमी, भैया पहले से प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी कि ट्रैकियोस्टोमी करवाई जानी है, क्यों, कहां कहां पर ट्रैकियोस्टोमी हम कर सकते हैं, पहले से हम प्लानिंग कहां रखते हैं, वहां जहां किसी पेशेंट को सर्जरी हो गई है और सर्जरी के बाद में लैरिंग्स वगैरह की सर्जरी हुई है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है भैया, तो ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ी। अरे आजकल का चलन है, आजकल की बड़ी बीमारी ये देखो, ये रही कोरोना, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आए जा रहा, करते नहीं थे, सक्शनिंग से काम चलाना पड़ गया, कई बार ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ी, थायरॉइडेक्टोमी जब होती है ना, तो मैंने कहा था कि बेड ऑन साइड पे क्या होना चाहिए, ट्रैकियोस्टोमी सेट, क्यों चाहिए, इसी तो लिए चाहिए भैया, क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वो प्री प्लान्ड ट्रैकियोस्टोमी है, वो इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी नहीं है,
क्यों? क्योंकि आपको पहले पता था कि इस सिचुएशन में ट्रैकोस्टोमी करना जरूरी है। क्लियर बात? चलिए तो इस बात का ध्यान दें। अब यहां से सेम क्वेश्चन कि भैया इधर आप हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हैं तो प्रोफाइलेटिक प्री प्लांट ट्रैकोस्टोमी में किस टाइप का इंसिजन लगाया जाता है? तो आंसर जाएगा फिर आप लोगों का कि वहां पर कैसा इंसिजन लगाते हैं, वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। कैसा इंसिजन लगाया जाता है? वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। है आराम से लगा रहे हो तो आराम से खड़ा इंसिजन लगा रहे हो, यहां पे आड़ा लगाते हैं। तिरछा ट्रैकोस्टोमी में कभी इंसिजन नहीं लगाते हैं, ध्यान दें, तिरछा कभी भी ट्रैकोस्टोमी में इंसिजन नहीं लगाते बेटा, ठीक है? चलिए वेरी गुड। दो तरीके के ट्रैकोस्टोमी ऑलमोस्ट अपन लोगों ने पढ़ ली है। तीसरी ट्रैकोस्टोमी की तरफ मैं जा रहा हूं और तीसरी ट्रैकोस्टोमी हमने कहा क्या, कहा ये का क्या है, क्या बोली हमने, ड्यूरेशन, सॉरी ये किसके बेस पर पढ़ी हमने, सिचुएशन के बेस पर पढ़ी है ना। ध्यान दे थोड़ा सा, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। सिचुएशन या फिर बोल सकते हैं कंडीशन के आधार पर, पेशेंट की कंडीशन के आधार पर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ड्यूरेशन, समय के आधार पर। समय दो ही तरीके के होते हैं, एक तो कौन सा समय होता है जो टेम्परेरी है, है? समय के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर ये वाली है भैया, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करें आप लोग, ध्यान दे ले, मिस्टेक हो गई है मेरे बोलने में। कौन सी थी वो? सिचुएशन के आधार पर, इमरजेंसी और प्रोफाइल, दो दो सिचुएशन है यार। और समय भी दो ही है, समय भी दो ही है इंसान के जीवन में। कुछ चीजें होती है जो इंसान के जीवन में चंद पलों के लिए आती है, जैसे मैं कह दूं कि क्या आती है, टेम्परेरी खुशी आती है, और एक वो खुशी आती है डियर जो जन्मा जन्मांतर अपने साथ होती है। जैसे ही नॉर्सेट का रिजल्ट आया 2022 का और लिस्ट में नाम पाते हैं अपना, तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, परमानेंट खुशी मिलती है, मिलती है यानी, अरे चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं है। एक वो खुशी है जो कुछ दिनों की है, एक वो खुशी है जो हमेशा की है। अरे सीधा बात सुन लो, गर्लफ्रेंड कुछ दिनों की मेहमान बनाते हैं लोग, पर जब धर्म पत्नी बनाते हैं ना तो जन्मों जन्मों के लिए बनाते हैं भाई, बनाते हैं कि नहीं, बनती ना। तो बात यही है कि टेम्परेरी ट्रैकोस्टोमी जो है वो कुछ टाइम के लिए, सम डे के लिए कंडक्ट करी जाती है, और वो सम डे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि कुछ कितने दिन। एग्जामिनर ये कहेगा तो डियर आंसर देना कि लेस देन 21 डे, या फिर कहें कि 2 से 3 वीक तक अगर किसी को ट्रैकोस्टोमी करी जा रही है तो ट्रैकोस्टोमी करी जाएगी टेम्परेरी ट्रैकोस्टोमी। कौन सी? टेम्परेरी ट्रैकोस्टोमी। अगर परमानेंट ट्रैकोस्टोमी की बात करें तो वह ट्रैकोस्टोमी मोर देन 21 डेज, 21 दिन से ज्यादा, भले ही वो महीने हो, भले ही वो साल हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर ट्रैकोस्टोमी 21 दिन से ज्यादा के लिए करी गई है तो वो ट्रैकोस्टोमी परमानेंट है, और 21 दिन से कम के लिए, 2 से 3 वीक के लिए, तो वो टेम्परेरी ट्रैकोस्टोमी है। क्लियर बात है? तो ये ट्रैकोस्टोमी हम पढ़कर चल रहे हैं और ट्रैकोस्टोमी का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। भैया बात समझ आ रही है तो आप सभी मेरे को फटाफट से इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन।